मोगा पुलिस को आज उस समय भारी सफलता मिली जब पुलिस ने रात के अंधेरे में हाईवे पर जा रही कारों को हिट कर कार लूटने वाले गिरोह के 5 मेंबरों को गिरफ्तार किया। पुलिस सभी 2 आरोपियों की और तलाश कर रही है। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 लूटी हुई कारें जिनमें ब्रेजा, फॉर्चूनर और क्रेटा गाड़ियां भी बरामद कर ली हैं। पुलिस ने इन आरोपियों से 3 देसी रिवॉल्वर भी बरामद किए हैं जो ये लोगों को वारदात के समय यूज करके डराते थे। पुलिस ने 3 आरोपियों को पहले ही जेल भेज दिया है जबकि 2 को आज अदालत में पेश किया गया है। इस बारे में जानकारी मोगा के SSP गुलनीत सिंह खुराना IPS ने एक प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को दी। SSP मोगा गुलनीत सिंह खुराना ने बताया कि यह लोग रात के समय हाईवे पर जा रही कारों को पीछे से अपनी गाड़ी द्वारा पहले हिट करते थे। जब आगे वाली गाड़ी को जब टक्कर लगती थी तो वह रुक जाती थी तो यह लोग उनसे झगड़ा करते थे और फिर रिवॉल्वर से 2-3 हवाई फायर कर गाड़ी को छीन फरार हो जाते थे। जिला मोगा के अलग अलग स्थानों पर इन्होंने वारदात को अंजाम दिया था और सभी वारदातों में यह अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी का ही इस्तेमाल करते थे। SSP गुलनीत सिंह ने बताया कि इनके कब्जे से 3 गाड़ी है जिसमें ब्रेजा हरियाणा नंबर, दूसरी गाड़ी क्रेटा पंजाब नंबर और तीसरी फॉर्चुनर गाड़ी पंजाब नंबर को बरामद कर लिया गया है। अभी एक आरोपी की गिरफ्तारी बाकी है और उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने सभी 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और 2 की तलाश की जा रही है। इनमें एक आरोपी ऑस्ट्रेलिया में रहता था जो वहां पर ड्राइवर का काम करता था। यहां पर आकर यह इस गिरोह के साथ रात के समय गाड़ियां लूटने का काम करता था। पुलिस ने इस मामले में मामले दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिरोजपुर से सुखचैन सिंह की खास रिपोर्ट। SSP साहब तो जानकारी कुछ गड्डियां बरामद की हैं, कुछ खोई गई हैं मोगा जिले चो भी दूसरे जिले चो भी। किन्ने बंदे फड़े गए, किन्नी गड्डियां रिकवर हो गई? टोटल 3 गड्डियां रिकवर हो गई हैं ते एक वारदात जिहड़ी जगराओं विच पैसे दे 2.5 लाख रुपए दे खोजी हुई सी वो हो गई है बरामद। इस तो इलावा एक गड्डी जिहड़ी है बरामद होनी SUV रहिंदी है जिहड़ी डगरू फाटक के नेड़े जून दे महीने खो की गई सी। तो सर किस तरह से ये हाईवे पे गाड़ियां लूटते थे, क्या इनका मॉडस ऑपरेंडी जो है वो ये है कि जब ये जा रहे होते हैं तो हाई स्पीड पे जब बंदा गाड़ी चला रहा होता है पीछे से ले जाके ठोकर मारते हैं जिससे कि अगला बंदा थोड़ा सा वो होकर के उत्तेजित होकर के नीचे उतरे और उनसे कहे कि भाई हमारा आपने डैमेज कर दिया है, हमें आप इसकी रिकवरी दो। और जब वो लड़ाई कर रहे होते हैं उस दौरान ये अपना वेपन निकाल के मे भी 1-2 फायर भी हवाई फायर करके और उसको फिर डरा धमका करके गाड़ी स्नैच करके ले जाते हैं। सब ज्यादातर किस समय ये गाड़ियां लूटते हैं? मोस्टली नाइट टाइम पे ही है, जो भी वारदात है वो 10 बजे रात के बाद की वारदात है तो हम कह सकते हैं कि रात के समय का टाइम का जो है फायदा लेते हैं जिससे लोग रिलैक्स होते हैं, कुछ हो सकता है ड्रंकन पोजीशन में हो उस चीज का फायदा। कुल कितने दोषी फड़े गए सर? टोटल हमने इस समय तक 5 बंदे गिरफ्तार कर लिए और 2 बंदे और गिरफ्तार करने रहते हैं तो 7 बंदों का गिरोह हम कह सकते हैं। बाकी जो बंदे 2 रहते हैं उनको ला करके पूछताछ करने पे हमें और पता लगेगा कि इसमें और कोई बंदे इन्वॉल्व तो नहीं है। रिकवरी की हुई है सर? टोटल रिकवरी 3 गड्डियां दी हो गई है सानू तो 1 गड्डी है रिकवर करनी रहती है। पिछोकड़ की है इन्हों का, की इन्हों के पहला कोई स्टोर? हर किसी का पिछोकड़ वक्रा वक्रा है जिस तरह मैं दस्या थानू गुरशरण जड़ा है ए बंदा बाहर जाके भी आया, बाहर ऑस्ट्रेलिया में ड्राइवरी करता सीगा, चंगी सैलरी सी, बट जदों भी इत्थे वापस आउंदा है ते इत्थे आके फोन करदा, 2 वारी इन्हें फोन कीतियां गईयां।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਛ ਵੈਪਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 3 ਵੈਪਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਵੈਪਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ। ਗਾੜੀਆਂ ਕੌਣ ਸੀ ਸਰ ਔਰ ਕਹਾਂ ਕਹਾਂ ਸੇ ਲੁੱਟੀ? ਪਹਿਲੀ ਗਾੜੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ XUV ਹਮਾਰੇ ਡਬਲੂ ਪਾਟਕ ਸੇ ਹੋਈ ਸੀ ਸਨੈਚ, ਇਹ ਜੂਨ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਮੇਂ 24 ਜੂਨ ਕੋ ਹੋਈ ਥੀ। ਉਸੀ ਰਾਤ ਮੇਂ ਅਜੀਤਵਾਲ ਥਾਣੇ ਕੇ ਏਰੀਆ ਸੇ ਬਰੀਜਾ ਗਾੜੀ ਕੀ ਸਨੈਚ ਹੋਈ ਥੀ, ਔਰ ਇਸ 24 ਤਾਰੀਖ ਕੋ 24 ਅਕਟੂਬਰ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੇਟਾ ਗਾੜੀ ਕੀ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹਮਾਰੇ ਯਹਾਂ ਸੇ ਕੀ ਥੀ, ਔਰ 25 ਤਾਰੀਖ ਕੋ ਇੱਕ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗਾੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨੈਚ ਕੀ ਥੀ ਮੱਖੂ ਕੇ ਏਰੀਆ ਸੇ, ਵੀ ਹਮਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰ ਇਸ ਗਾੜੀਆਂ ਪੇ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਗਾੜੀ ਜੋ ਸਨੈਚ ਕਰਤੇ ਹੈ ਅਗਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨੇ ਮੇਂ ਉਸੀ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ। तो मोस्टली जो गाड़ी है वो एक पर्पज इनका ये है कि स्नैचिंग के यूज में यूज कर सकते हैं, इसके अलावा बाकी कुछ किस मौत कर रहे हैं इनसे, जो भी आगे बात आएंगे वो देख लेंगे। सर मोगा डिस्ट्रिक्ट तो बिलोंग करते हैं या कितों बारो बारो? मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम मोगा डिस्ट्रिक्ट, बाकी नेड़े का एरिया जेड़ा हैगा वो सारा इन्वॉल्व हैगा, मतलब जेड़े बॉर्डरिंग पिंड हैगे आप कह सकते हैं कि फिरोजपुर मोगा का बॉर्डरिंग पिंड हो गए उतो ज्यादा है। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨਾ ਰੋਕੋ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਟ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸਨੈਚਿੰਗ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਰੁਕੇਗੀ, ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਰੁਕਣ ਉੱਥੇ ਨਾ ਰੋਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਪੋਟ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਪਿਡ ਰੂਰਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਜਣ ਵਿੱਚ ਮੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਦੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ।